A very good morning. Sorry, it's a good evening. So we are back with revision lectures. I hope आपने पहले वाले parts देख लियो. आज हम फिर से नए topic पे और आ रहे हैं. Sale of Goods Act का ही part है. आज हम बात करेंगे basically a very important task again. देखो हमने KVD emptor तो बात कर लिया. उसके बाद हमने conditional warranties भी बात कर लिया. Transfer of ownership in case of specific goods नहीं हमने basically sale on approval basis बात कर लिया. तो अभी थोड़ा सेम वे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बात. आई विल बी फर्स्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी, ठीक है ना बात. और डिलीवरी के टाइप्स क्या होते हैं. डिलीवरी का डेफिनेशन बोलता है, डिलीवरी मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स. वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स. वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स हैंड ओवर कर देना खुद होकर सेलर ने, नॉट फोर्सफुली, खुद होकर वॉलेंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, उसको हम बोलेंगे बेटा डिलीवरी. तो वैसे ही डिलीवरी के तीन टाइप्स है. पहला टाइप है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा टाइप है दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी, एंड तीसरा टाइप है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. जितना मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक डिलीवरी में कंफ्यूज रहते हैं. तो एक्चुअल थोड़ी क्या, गिविंग द रियल पोजेशन, गुड्स ही हैंड ओवर कर देना, गिविंग द रियल पोजेशन, एक्चुअल पोजेशन इज एक्चुअल डिलीवरी. गुड्स खुद होके हैंड ओवर कर देना, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है ना बात. ये तो बहुत कॉमन है. बट अगर मैं बात कर रहा हूँ सिम्बॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, देखो एग्जाम्पल है कोई अवार्ड है या कोई क्रिकेट यू नो मतलब फाइनल सेरेमनी चल रही है उसमें, और क्रिकेटर को 1 लाख रुपए देने हैं, तो वो बड़ा सा चेक लाते हैं और वो चेक हैंड ओवर कर देते हैं. उन्होंने वो ऐसा बड़ा सा चेक जो गिफ्ट टाइप बड़ा सा दिखता है और ऐसा देते हुए फोटो बढ़िया निकलता है, वो जो चेक दिया मतलब एक्चुअल में उन्होंने चेक दे दिया. दैट इज सिम्बॉलिक, दैट इज सिम्बॉलिक, गिविंग समथिंग विच इज अ सिंबल दैट दे हैव एक्चुअली गिवन द प्राइस और द गुड्स, सिम्बॉलिक डिलीवरी. जैसे एग्जाम्पल है कि कोई लकी ड्रॉ जीत गया, उसको कार दे रहे, तो ऐसा नकली कार का इतना बड़ा चाबी उनके हाथ में दे देते हैं, तो वो चाबी दे दिया मतलब कार ही दे दिया. दैट इज सिम्बॉलिक डिलीवरी. विच डिलीवरी, सिम्बॉलिक डिलीवरी. तो सिम्बॉलिक डिलीवरी में समझना मेरी बात कि एक्चुअल गुड्स नहीं देना बट गुड्स के ऊपर आपका कंट्रोल दे देना. एक्चुअल गुड्स नहीं देना बट गुड्स के ऊपर का कंट्रोल देना, दैट इज सिम्बॉलिक डिलीवरी. लाइक एग्जाम्पल है, मैंने अगर कार नई कार खरीदी तो कार की चाबी दे देना, तो कार तो नहीं दिया उसे लाके, अरे ऑब्वियसली कॉमन सेंस, कार ऊपर कैसे लाएंगे, कार की चाबी दी मतलब गुड्स के ऊपर कंट्रोल दे दिया. गोडाउन की चाबी दे दी, गुड्स के ऊपर कंट्रोल दे दिया. रेलवे में माल जा रहा है, रेलवे रिसीट दे दी, अब वो रिसीट दिखाकर मैं गुड्स ले लूंगा, गुड्स के ऊपर कंट्रोल दे दिया, दैट इज सिम्बॉलिक डिलीवरी. तो सिम्बॉलिक डिलीवरी मीन्स गिविंग कंट्रोल over the goods, giving control over the goods. और constructive delivery, मेरी बात समझना, constructive delivery जो है यहां पर समझना. जैसे example है, मैं अभी lecture record कर रहा हूं, तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे घर पर कोई कैश देने आ गए. एग्जाम्पल, अभी तो नहीं आएगा, कोरोना इफेक्ट है, बट एग्जाम्पल कैश देने आया, तो बोले मयूर सर है क्या, बोले नहीं वो रिकॉर्डिंग रूम में, तो बोले उनको 10,000 रुपये देना था, बोले हमको दे दो, मेरे पापा ने बोला, और पापा ने मुझे SMS ड्रॉप कर दिया कि तुम्हारा 10,000 रुपये मिस्टर रामलाल देकर गया, रामलाल ने ड्रॉप किया, तुम्हारा 10,000 रुपये तुम्हारे पापा को दे दिया. तो मेरे पास गुड्स नहीं आए या पैसे नहीं आए, बट थर्ड पार्टी, लाइक अगर मेरे और रामलाल के बीच में मेरे पापा थर्ड पार्टी बन गए, थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज किया कि तुम्हारे गुड्स हमारे पास आ गए. कौन सी डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. और सिंपल एग्जाम्पल, जैसे बहुत बार होता है कि आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, बट जब डिलीवरी बॉय आता है तो आप घर पे नहीं, तो डिलीवरी बॉय क्या करता है, आपके नेबरिंग हाउस में रख देता है और कॉल लगाता है, देखो सर आपका हम पार्सल आए थे बट आप घर पे ताला लगा है, हम बाजू वाले के घर पे रख देते हैं, तो बाजू वाले से बात करो. बाजू वाला बोलता है हाँ सर आपके गुड्स आ गए, ठीक है ना बात. अब आपके और अमेजोन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अब थर्ड पार्टी आपका नेबर बोलता है कि आपके गुड्स हमारे कस्टडी में, कभी भी लेके जाओ, हमने ले लिया है. ये कौन सी डिलीवरी है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी विच इज बाय एक्नॉलेजमेंट बाय द थर्ड पार्टी.
थर्ड पार्टी जब एक्नॉलेज करेगा तो अब अमेजोन ने बोला हमने तो हमारा काम कर दिया, अब तुम देख लो, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन भी दिला दिया कि तुम्हारे नेबर के पास ये गुड्स है, तो ये हो जाएगा आपका एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में समझना, व्हेन थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस तो ये हो गया आपका डिलीवरी का मतलब और डिलीवरी के टाइप्स। डिलीवरी का मतलब वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। डिलीवरी के तीन टाइप है, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब गिविंग द रियल पोजेशन, सिंबॉलिक मतलब गिविंग द कंट्रोल ओवर द गुड्स, गोडाउन की चाबी देना, कार की चाबी देना, रेलवे रिसीट देना, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टिव मतलब थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो मैंने आपको डिलीवरी समझाया, डिलीवरी के टाइप समझाए, आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, यहां पे बेटा दो बातें ध्यान रखना, टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट आर द टू पॉइंट्स समझना। फर्स्ट पॉइंट, द पर्सन मेकिंग द डॉक्यूमेंट स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। द पर्सन मेकिंग डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजेस दैट, थोड़ा समझने में दो पांच मिनट पेशेंस लगेगा, एक्नॉलेजेस दैट ही इज होल्डिंग गुड्स, होल्डिंग गुड्स एंड पर्सन हु प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट have right over the goods. फिर से रिपीट करो, राइटिंग को इग्नोर करो, राइटिंग आई नो थोड़ा सा आपको तकलीफ रहेगा, रिपीट कर रहा हूं मैं। पर्सन मेकिंग द डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजेस दैट इज होल्डिंग गुड्स एंड द पर्सन प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट हैव अ राइट टू टेक द गुड्स। सर कैन यू गिव एग्जाम्पल? यस, रेलवे रिसीट। जब मैं पूना से दिल्ली माल भेज रहा हूं तो मैंने माल रेलवे में लोड किया, रेलवे डिपार्टमेंट ने एक रेलवे रिसीट दिया, वो रेलवे रिसीट मैंने दिल्ली के पार्टी को कुरियर किया, दिल्ली के पार्टी को कुरियर 2 दिन में मिला, रेलवे पहुंचा 10 दिन में। जब माल पहुंचा तो उसका ऑनलाइन ट्रैक किया, माल पहुंचा नहीं पहुंचा। अब माल पहुंच गया तो वहां जो दिल्ली का पार्टी है वो डॉक्यूमेंट लेकर गया रेलवे डिपार्टमेंट के पास, रेलवे डिपार्टमेंट ने देखा अपनी पावती है, उन्होंने माल हैंड ओवर कर दिया। तो यहां से देखो, ये पूरे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं। मैंने माल रेलवे में डाल दिया पुणे में, पुणे के रेलवे डिपार्टमेंट ने मुझे रेलवे रिसीट दी, रेलवे रिसीट मैंने कुरियर कर दी दिल्ली वाले पार्टी को, कुरियर 2 दिन में पहुंचा, माल 10 दिन में पहुंचा। दिल्ली वाला पार्टी जो था उसने रेलवे रिसीट रेलवे डिपार्टमेंट को दिल्ली में दिखाया, रेलवे डिपार्टमेंट ने वो पावती वेरीफाई करके उसको माल हैंड ओवर कर दिया। ये पूरा एग्जाम्पल बोला। अब यहां पर दो बातें, द पर्सन मेकिंग द डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजेस दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स, ये क्लियर हो गया। द पर्सन मेकिंग, रेलवे डिपार्टमेंट मतलब गुड्स उनके पास है, गुड्स उनके कस्टडी में है। एंड द पर्सन हु प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट, दिल्ली वाला हैव अ राइट टू टेक द गुड्स, उसको गुड्स लेने का अधिकार है। अगर ये दो पॉइंट सेटिस्फाई हो गया वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने बेसिकली वो जो डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। समझे मेरी बात? तो पर्सन मेकिंग द डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजेस दैट इज होल्डिंग द गुड्स, रेलवे। एंड द पर्सन हु प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट हैव अ राइट टू टेक द गुड्स, दिल्ली वाली वायर। करेक्ट है बात? तो यहां पर एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, रेलवे रिसीट, रेलवे डिपार्टमेंट देता है। शिपिंग्स वाले जो देते हैं ना, कैप्टन ऑफ शिप, वो देते हैं बिल ऑफ
लेडिंग और लैडिंग, ये वर्ड कस्टम्स में आप सुनोगे, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में, बिल ऑफ लैडिंग लेडिंग, ये कॉमन वर्ड है जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया जाता है। जब भी गुड्स शिप में लोड किया जाता है, वो कैप्टन ऑफ द शिप या जो भी शिप इंचार्ज है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगा कि हमारे पास तुम्हारे गुड्स है, दैट इज बिल ऑफ लैडिंग। रेलवे वाले रेलवे रिसीट देंगे और शिप वाले बिल ऑफ लैडिंग देंगे, वैसे वेयरहाउस वाले वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट देंगे, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट देंगे। ये गोडाउन वाले, सपोज एग्जांपल, एक मैंने गोडाउन रेंट पे लिया, मतलब किसी गोडाउन रेंट पे मिलता है, एक दिन 10 दिन मैंने गुड्स वहां रख दिए, तो उन्होंने वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट दिया। अब मैंने ये गुड्स बेच दिया रामलाल को, तो रामलाल को बोला ये ले जा गोडाउन से माल ले ले, वो जब पावती दिखाएगा उसको गुड्स दिया जाएगा। सेम वे डॉक वारंट। सर डॉक वारंट क्या होता है? डॉक मतलब जो भी पोर्ट रहता है, पोर्ट जहां पर गुड्स, ये ऐसे अलग अलग डॉक्स होते हैं जहां पर माल उतारा जाता है, कंटेनर्स उतारे जाते हैं, हर एक डॉक के लिए एक डॉक ऑफिसर रहता है, ठीक है ना बात। तो जैसे शिप से माल उतरेगा उस एरिया को बोला जाता है डॉक। अब मेरा सपोज माल यूएस से आ रहा है और यूएस से शिप इन मुंबई पहुंच गया जीएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है ना बात। बट अब मुझे वो जो माल है, कम से कम 5 करोड़ का माल है और 30 लाख रुपीज उसकी टैक्स ड्यूटी, स्टैंड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है, बट 30 लाख रुपीज आज मेरे पास नहीं है देने के लिए, मुझे एक 10 दिन का समय चाहिए, तो मैं डॉक ऑफिसर के पास जाऊंगा, बोलूंगा देखो ये बिल ऑफ लेडिंग है, ये माल मेरा आपकी डॉक में आया है, ये जो माल है मैं 10 दिन बाद लेके जाऊंगा। तो डॉक ऑफिसर क्या करेगा, डॉक वारंट बना के देगा कि यस तुम्हारा माल मेरे कस्टडी में है, पहले कस्टम ड्यूटी भर दो, गवर्नमेंट के टैक्सेस भरो, उसके बाद आकर माल लेकर जाना। तो अब जब मैं कस्टम ड्यूटी भर दूंगा 30 लाख का, अब वो पावती और डॉक वारंट लेके जाऊंगा, डॉक ऑफिसर को दिखाऊंगा, डॉक ऑफिसर देखेगा 30 लाख पेड, डॉक वारंट है, अब उसको माल दे देगा, ये हो गया डॉक वारंट। उसके बाद और एक वर्ड है वॉर्फ फिंगर सर्टिफिकेट। यहां से तो 3 डॉक्यूमेंट शिपिंग रिलेटेड है क्योंकि ये बहुत कॉमनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज होता है, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। देखो क्या है, ये बड़ा शिप है, ठीक है ना बात, ये इंडिया का पोर्ट है, ये छोटे शिप है, छोटे शिप को वॉर्फ बोला जाता है, छोटे शिप को वॉर्फ बोला जाता है। अब ये बड़े शिप को पोर्ट पर ट्रैफिक है, जैसे रोड ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक, पोर्ट ट्रैफिक भी होता है, तो ये शिप जो है ये आने के लिए 20 डेज लगेगा, इसको जगह मिलने के लिए पोर्ट में 20 डेज का ट्रैफिक है। बट एक कंटेनर आया है जो रिलायंस इंडस्ट्री का है और रिलायंस को कंटेनर बहुत अर्जेंट है, अगर वो कंटेनर 20 दिन बाद लेंगे तो 20 दिन के लिए मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा, तो रिलायंस जाएगा पोर्ट ऑफिसर के पास, बोलेगा ये कंटेनर स्पेशल सर्विस वॉर्फ के थ्रू अर्जेंटली लेकर आओ, वो उसके लिए चार्जेस देगा। तो ये जो छोटा शिप होता है उसके डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बेटा वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। रेलवे रिसीट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, डॉक वारंट, बिल ऑफ लैडिंग, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। तो आपका मैंने 2 टॉपिक खत्म किया, पहला टॉपिक था डिलीवरी, डिलीवरी के टाइप्स, दूसरा टॉपिक था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ये आपका 2 टॉपिक एंड होता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, इसका मतलब होता है नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ Has. जिसके पास टाइटल है वो ही टाइटल ओनरशिप दे सकता है, जिसके पास ओनरशिप नहीं है वो बेटर टाइटल नहीं दे सकता है। सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मतलब अगर ये नहीं होता तो हर बच्चे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी बगैर पूछे बेच देते और लोगों को प्रॉपर्टी मिल जाती। जिसके पास ओनरशिप है वही ओनरशिप, नहीं तो मैं तो ताजमहल बेच के आ जाओ, एग्जाम्पल में बोलूँ, लोग ताजमहल, ताजमहल मेरी प्रॉपर्टी में, उसका टाइटल है क्या? गवर्नमेंट के पास उसका टाइटल है,
मेरे पास उसकी ओनरशिप है क्या? नहीं, गवर्नमेंट के पास है। तो जिसके पास टाइटल है वो ही टाइटल दे सकता है, जिसके पास नहीं है कॉमन सेंस वो टाइटल नहीं दे सकता है, सिंपल बात है। तो हु हैव द टाइटल कैन गिव बेटर टाइटल, हु डोंट हैव टाइटल कैन नॉट गिव बेटर टाइटल। बट इन दिस केस देर आर सर्टन एक्सेप्शंस। सो एक्सेप्शन मतलब ऑपोजिट द रूल। व्हाट इज द रूल? दोज हु हैव टाइटल कैन गिव टाइटल एंड दोज हु डोंट हैव टाइटल कैन नॉट गिव टाइटल। एक्सेप्शन मीन्स दोज हु डोंट हैव टाइटल स्टिल कैन गिव टाइटल। एक्सेप्शन मीन्स दोज हु डोंट हैव टाइटल स्टिल कैन गिव टाइटल। सर क्या बात कर रहे हैं? जिसके पास ओनरशिप नहीं है वो फिर भी ओनरशिप दे सकता है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है ना बात? देयर आर 7, 8, 10 एक्सेप्शंस जो आपको समझना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट। सुनने में ध्यान रखना है, पूरा लिखने के लिए आप देख लेना। जैसे हमें रफली नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट मतलब द पर्सन कैन गिव अ बेटर टाइटल दोज हु हैव अ टाइटल, दोज हु डोंट हैव टाइटल कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल। सर क्या बोल रहे हैं? सिंपल है, जिसके पास ओनरशिप है वो ही ओनरशिप दे सकता है, जिसके पास ओनरशिप नहीं है वो ओनरशिप नहीं दे सकता है। वेरी कॉमन सेंस। एक्सेप्शन बोलता है जिसके पास ओनरशिप नहीं है वो ओनरशिप दे सकता है। एग्जाम्पल एजेंट, मैंने मेरी कार बेचने के लिए एक एजेंट अपॉइंट किया, ड्यूली ऑथराइज एजेंट है वो। एजेंट ने उठाकर कार बेच दी, अब एजेंट ने डील कर दी, अब एजेंट के पास टाइटल नहीं है बट फिर भी वो टाइटल दे सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ ऑफिशियल लिक्विडेटर, सही है, कौन होता है? जब कंपनी बंद होती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट से, जो कंपनी के पूरे एसेट बेचेगा, कंपनी की लाइबिलिटी क्लियर करेगा और कंपनी को बंद करेगा। तो अब देखो कंपनी का एसेट की ओनरशिप किसके पास है? अगर कल एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, उसकी एसेट की ओनरशिप एबीसी लिमिटेड के पास है, बट कल उठकर वो ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कंपनी की फैक्ट्री बेच दी 200 करोड़ में, खरीदने वाले को टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बट बेचने के वाले के पास टाइटल था क्या? नहीं, कंपनी के पास टाइटल था। समझे मेरी बात? तो मैं एक्सेप्शन समझाते जा रहा हूँ। पहला एक्सेप्शन है एजेंट। एजेंट के पास टाइटल नहीं है बट फिर भी एजेंट बेटर टाइटल पास कर सकता है। सामने वाला गुड फेथ में खरीद रहा है, सामने वाले को पता है एजेंट फेक है फिर भी खरीद रहा है, तो गलत है। सेकंड इज ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट कचेरी, जब कंपनी बंद होती है कंपनी के एसेट्स थर्ड पार्टी को बेचे जाते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर बेचता है फिर भी थर्ड पार्टी को बेटर टाइटल मिलेगा। उसके बाद ऑफिशियल रिसीवर। सो ऑफिशियल रिसीवर कौन है? इंसॉल्वेंसी। जब भी कोई इंसॉल्वेंट होता है तो उस इंसॉल्वेंट पर्सन से उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी लाइबिलिटी ऑफिशियल रिसीवर के हाथ में दिया जाता है। वो कंपनी के लिए लिक्विडेटर, इंसॉल्वेंट पर्सन के लिए रिसीवर। सब मिस्टर रामलाल बर्बाद हो गए, बैंकरप्ट हो गए, तो मिस्टर रामलाल की पूरी प्रॉपर्टी बेच के लोगों का पैसा देने का कार्य कौन करेगा? ऑफिशियल रिसीवर। अब ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा? मेरी बात समझना। ऑफिशियल रिसीवर मार्केट में जाकर उस इंसॉल्वेंट बर्बाद बैंकरप्ट आदमी का प्रॉपर्टी बेचेगा तो लोग खरीदेंगे। तो ऑफिशियल रिसीवर खुद होके उसका टाइटल है क्या? नहीं, बट फिर भी वो टाइटल पास कर सकता है क्या? पास कर सकता है। समझे मेरी बात? उसके बाद ऑफिशियल रिसीवर के बाद नेक्स्ट आएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल के तौर पे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आया है बट आपको मैं बता रहा हूं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी को फोर्सफुली अंडर इन्फ्लुएंस आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। मैंने गन पॉइंट पर मिस्टर रामलाल से प्रॉपर्टी ली, फिर देखे जाए तो ट्रू ओनर रामलाल ही है, मैंने फोर्सफुली गन पॉइंट कोएर्शन करके प्रॉपर्टी ली है, करेक्ट है? अब यही प्रॉपर्टी मैंने श्यामलाल को, हु जो इसको कुछ पता नहीं है, इनोसेंट बायर है, उसको बेच दी। गन पॉइंट पर रामलाल से प्रॉपर्टी ली तो देखे तो ट्रू ओनर कौन है? रामलाल। और मैंने
श्यामलाल जो इनोसेंटली खरीद रहा है, इसको कुछ नहीं मालूम कि मैंने फोर्सफुली गन पॉइंट पे ली है, उसको बेची, तो श्यामलाल को प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। बट गन पॉइंट पर रामलाल से प्रॉपर्टी ली, रामलाल कोर्ट चला गया, अब मैं बेच नहीं सकता। बट रामलाल ने कुछ नहीं किया, मैंने तब तक श्यामलाल को प्रॉपर्टी बेच दी, तो श्यामलाल को वो टाइटल मिलेगा, वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी आई थी, मैंने वो प्रॉपर्टी किसी और इनोसेंट को बेची, उस इनोसेंट को गुड टाइटल मिलेगा, सही है? उसके बाद सेल बाय प्लेजी, प्लेजी जिसके पास हमने गुड्स गिरवी रखे, बैंक के पास गुड्स गिरवी रखे, लाइक मैंने गोल्ड गिरवी रख के लोन लिया, गोल्ड इज मूवेबल गुड्स, मैं हो गया प्लेजर, बैंक हो गया प्लेजी, बराबर है? अब मैंने लोन नहीं भरा, उस गुड्स का ओनरशिप मेरे पास है, पोजेशन बैंक के पास है, गोल्ड का ओनरशिप मयूर अग्रवाल के पास है, और उस गोल्ड का पोजेशन बैंक के पास है। अब मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक ने उठा के गोल्ड बेचा, खरीदने वाले इनोसेंटली खरीदा, अब वो प्लेजी जो बैंक है, कैन ही पास अ बेटर टाइटल? यस, इवन दो दे डोंट हैव टाइटल, बट स्टिल दे कैन पास अ बेटर टाइटल। समझे क्या मेरी बात? रिपीट, मैंने गोल्ड गिरवी रखा, मैं बन गया प्लेजर, बैंक बन गया प्लेजी, ओनरशिप मेरे पास, पोजेशन बैंक के पास, मैंने लोन नहीं भरा, ओनर मैं ही हूं, तो बैंक ने वो गोल्ड बेच दिया, पैसे रिकवर किए, खरीदने वाले को टाइटल मिलेगा भले बैंक के पास टाइटल नहीं था। उसके बाद फाइंडर ऑफ गुड्स, आहा, ये तो लकी चाम, रास्ते पे चलते हुए आपको कुछ मिल गया, ठीक है ना बात? चलते रहा मैं, आपको कुछ मिल गया, 2,000 की नोट मिल गई, 10,000 मिल गया, 1 लाख रुपए पड़ा हुआ मिल गया, या गोल्ड चेन मिल गया, एग्जाम्पल है, आप उसके ओनर नहीं हो, आपका काम है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रू ओनर को जाके देना। बट अब वो ट्रू ओनर नहीं मिल पा रहा है, बहुत ढूंढा आपने, बहुत ढूंढा, नहीं मिल पाया, आजकल तो इतना स्ट्रांग है, ऐसा ऐसा गोल्ड चेन मिला, व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल करा दिया, बट नहीं मिल पाया फिर भी, करेक्ट? तो ट्रू ओनर को नहीं मिल पा रहे आप, या ट्रू ओनर नहीं मिल पा रहा है, या पेरिशेबल गुड्स है, आपको 1 kg टमाटर मिल गए, या खराब हो जाएंगे, मिठाई मिल गई रास्ते पर, आप उठाओगे नहीं, बट एग्जाम्पल, तो पेरिशेबल गुड्स है, या ट्रू ओनर मिला, गोल्ड चेन वाला जो ओनर है वो दिल्ली में बैठा है, आप ऑल द वे दिल्ली गए, वो मिला, बट वो आपको लॉफुल चार्जेस देने को तैयार नहीं है। आप बोल रहे, देख भाई मैं अपना समय छोड़कर यहाँ से दिल्ली का फ्लाइट पकड़ा हूँ, तेरा गोल्ड चेन 1 लाख का है, मेरा खर्चा 30,000 हो गया आने जाने में, वो मुझे दे दे, वो नहीं दे रहा है, या फिर खर्चा ही 2/3 से ज्यादा है, खर्चा ही 2/3 से ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा मोबाइल फोन का कवर बैंगलोर रह गया, 300 रुपये का कवर था, अब कुरियर करने में ही 250 रुपये खर्चा आ रहा है, तो सेंस बनता है क्या? नहीं। तो पेरिशेबल गुड्स है, या ट्रू ओनर नहीं मिल पा रहा है, या ट्रू ओनर मिला बट आपको लॉफुल चार्जेस देने को रेडी नहीं है, या फिर खर्चा ही 2/3 से ज्यादा है जो सेंस बनता नहीं है, आप मुझे बताओ, उस केस में मैं फाइंडर हूं, कैन आई सेल द गुड्स? यस। मेरे पास ओनरशिप है क्या? नहीं। बट खरीदने वाले को फिर भी बेटर टाइटल मिलेगा, खरीदने वाले को फिर भी बेटर टाइटल मिलेगा। समझ आया मेरी बात? रिपीट कर रहा हूं, फाइंडर को ट्रू ओनर नहीं मिला, फाइंडर को ट्रू ओनर मिला बट लॉफुल चार्जेस नहीं दे रहा है, गुड्स ही पेरिशेबल है, खराब हो जाएंगे जब तक ओनर मिल जाएगा तो, या खर्चा ही ज्यादा है गुड्स के वैल्यू के हिसाब से, वो डिफर करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, तो उस केस में फाइंडर भले ओनर नहीं है बट फिर भी बेटर टाइटल दे सकता है, फाइंडर ऑफ गुड्स। उसके बाद गुड्स इन पोजेशन, ऑफ बायर बिफोर सेल, गुड्स इन पोजेशन ऑफ बायर बिफोर सेल, बायर के पास पोजेशन है बट अभी तक ओनरशिप नहीं है। सर एग्जाम्पल, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने 100 T-shirts लाया, बोला देखो बिका तो रखूंगा नहीं तो 3 महीने में रिटर्न कर दूंगा, तो गुड्स इन पोजेशन ऑफ बायर, बायर के पास पोजीशन है बट अब तक ओनरशिप नहीं है, अप्रूवल नहीं दिया है,
अब यही गुड्स मैंने उठाकर किसी और को बेच दिया। मेरे पास 100 टी-शर्ट्स लेकर तो आया था, मुझे लगा नहीं बिकेगा बिकेगा क्या पता। मैंने होलसेलर को बोला, देख भाई मेरे टी शर्ट तो लेके जा रहा हूँ, 3 महीने का समय दो, माल बिका ठीक नहीं तो मैं रिटर्न करूंगा। बोले कोई बात नहीं, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो बायर के पास पोजीशन आ गया, ओनरशिप सेलर के पास ही है। उसी दौरान पता नहीं गॉड ग्रेस एक बंदा आ गया, बोले सब 100 टी-शर्ट दे दो। मैंने 1,000 रुपये लगा के, 1,000 रुपये × 100 टी-शर्ट लगा के उससे पैसे ले लिए। अब देखे जाए तो टेक्निकली मैं ओनर नहीं हूं, बट फिर भी मैं ओनरशिप पास ऑन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। ओनरशिप वॉज विथ सेलर, पोजेशन वॉज विथ बायर। नाउ कैन द बायर पास बेटर टाइटल टू द न्यू बायर? यस, इवन दो इज हैविंग ओनली पोजेशन। तो ये हो गया आपका नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट। छोड़ा सा रिविजन लिया हमने, आज हमने 3 चीजें पढ़ी बेटा। सबसे पहले बात हमने पढ़ी है दैट इज डिलीवरी और डिलीवरी के टाइप्स। फिर हमने पढ़ा है द सेकेंड पार्ट दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, और हमने पढ़ा है नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट। डिलीवरी क्या होता है? वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। डिलीवरी के 3 टाइप कौन से हैं? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में 2 बातें याद रखना है। जो डॉक्यूमेंट बनाता है वो एक्नॉलेज करता है कि गुड्स मेरे कस्टडी में, और जिस जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा उसको गुड्स दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट के हमने 4-5 एग्जाम्पल देखे, बिल ऑफ लेडिंग, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, देन डॉक वारंट, रेलवे रिसीट एक्सेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ा नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट। इसका मतलब है नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज। जिसके पास टाइटल है वही टाइटल दे सकता है, जिसके पास नहीं वो टाइटल नहीं दे सकता। बट कुछ एक्सेप्शन केस में जिसके पास टाइटल नहीं है फिर भी वो टाइटल दे सकता है। चलेगा, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।